ये ग्राम ताजपुर के आवेदक हैं अमर सिंह चौहान। इनके द्वारा 30/6 को लोकायुक्त कार्यालय में ये शिकायत की थी कि हल्का पटवारी नंबर 43 इंदर सिंह कछवाहा ताजपुर में आता है। इनके नाम से इनकी पैतृक जमीन थी वो नामांतरित हुई थी, उसका अमल आदेश होना था। उस अमल आदेश को करने के लिए और रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए आरोपी पटवारी इंदर सिंह कछवाहा आवेदक से 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसको हमने हमारे वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया था और आज वो लेनदेन की बातचीत तय हुई थी। आवेदक द्वारा उन्हें 7,000 की रिश्वत राशि दी जो कि पटवारी द्वारा ली गई और उसके तुरंत बाद उन्हें लोकायुक्त उज्जैन की टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। कितनी जमीन क्या है? नहीं, ये जमीन क्या है, इनकी माता जी और इनकी दो बहनें हैं उनके नाम से जमीन थी, उन्होंने हक त्याग किया है तो अलग अलग जमीन है। अब वो जमीन टोटल कितनी है वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा। उस जमीन को नामांतरित होने के बाद अमल आदेश के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। आपका नाम पता? मैं निरीक्षक राजेंद्र वर्मा लोकायुक्त उज्जैन। ये साहब ने 23/6/2000 में आर्डर हुआ था तहसीलदार में क्रेम का मेमोरल मैडम के यहाँ से मेरे और मेरे बच्चे कृष्ण पाल के नाम का नामांतरण और दर्ज कराने के पटवारी साहब से बात हुई इंदर सिंह जी कछवाहा जी से, तो इन्होंने बोला कि 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। हमने क्या था 10,000 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, तो इनने जो एक दो दिन तालम टोला करी बाद में जाके हमारी तय हुई 7,000 रुपये में, 7,000 रुपये तय हुई। फिर मैंने लोकायुक्त कार्यालय में जाके वहाँ बात करके उन लोगों को बताया, उनने 30 तारीख से इसकी रिकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई करना थी वो करी। उसके बाद कल इनका फ़ोन आया, मैं आप चाहो तो मैं किस समय पे फ़ोन आया था वो बता दूँ, आज बुलाने के लिए मोबाइल में से थी। कम कितनी जमीन आपकी? मेरी दो जमीन थी, एक मेरे परिवार के लोग ने हत्या किया था वो जमीन मेरे नाम से हत्या हुआ था, उसका नामांतरण करना ऑर्डर हुआ था। दूसरा मेरे बच्चा कृष्ण पाले वाला, उसको बिक्री पत्र करवाया था, खरीदी हुई जमीन थी, वो जमीन का नामांतरण भी उसके साथ एक ही आदेश में हुआ था। कितनी जमीन के लिए पैसा मांगा था? देखो ये तो 43 सारा जमीन थी, 2 बीघा 2 इसका मेरे बच्चे के नाम से वो, और मेरी जमीन करीब 9 बीघा 9 बीघा के आसपास जमीन थी। आपका पूरा नाम बता दो। अमर सिंह जी दरबार।